हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लूइड मैकेनिक्स लर्न थ्रू एग्जांपल सीरीज। आप सभी का इस सीरीज में पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम एक और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं कि सपोज आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता ये कार किसी पॉन्ड या लेक में जो स्टैटिक वाटर है उसमें गिर जाए, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्या उस कंडीशन में आप इस कार की डोर को ओपन करके बाहर आ पाएंगे या नहीं। इसे जानने के लिए अगर मैं इस प्रॉब्लम में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड करूं, सपोज आपकी कार इस वाटर सरफेस के 5 मीटर नीचे है, जिसमें इस कार डोर का डायमेंशन 1.5 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा हो। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इस कार के डोर में कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स डेवलप होगा। तो इसको जानने के लिए पहले मैं प्रेशर निकाल लूँ। प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ एच, तो मैं इसे गामा टाइम्स एच के फॉर्म में निकाल सकता हूँ। गामा फॉर वाटर, ये वैल्यू है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एच की वैल्यू, यहाँ पे ये एच की वैल्यू 5 + 1.5/2, ये वैल्यू आपको मिलेगी 5.75 में। और अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें आप, तो ये आएगी 56.4075। और इसी प्रेशर से अगर मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूं, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स होगा, इसकी वैल्यू आएगी 56.4075 मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, इस डोर का एरिया जो कि 1.5/1 है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का निकालें तो ये वैल्यू आएगी 84.61 किलोन्यूटन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्यों ये प्रेशर और फोर्स की वैल्यू इस सेंट्रोइड पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो इस वैल्यू को क्रॉस चेक कर सकते हो बाय ट्रेपेजॉइडल लॉ कि 5 मीटर पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना जनरेट होने वाला है। इस 5 मीटर पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा गामा टाइम्स एच, और इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये 9.81 इंटू दिस 5 मीटर वैल्यू जो कि आएगी 49.05। और सिमिलरली अगर आप इसके बॉटम पे, डोर के बॉटम पे प्रेशर चेक करें, तो ये अगेन वैल्यू 9.81 इंटू 5 + 1.5 दैट इज 6.5, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 63.765। अब अगर आप इस ट्रेपेजॉइड को सॉल्व करें जो कि 49.05 और 63.765 है, इसका रिजल्टेंट फोर्स आपको मिलेगा अगेन 846.61, बिकॉज रिजल्टेंट वैल्यू आएगी a + b/2 इंटू एच से आप 49.05 + 63.765/2 करके अगर h जो कि 1.5 है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू अगेन 84.61 ही आने वाली है। तो मैं डायरेक्टली ऐसी कंडीशंस के लिए अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स डिफाइन कर सकता हूँ जो कि कुछ नहीं बल्कि pc इंटू a होगा, जहाँ पे pc गामा है, hc सेंट्रॉइड का वर्टिकल डिस्टेंस है, इस केस में ये 5 + 1.5/2 होगा, और एरिया इस डोर का होगा 1.5 × 1। तो दोनों वैल्यूज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये 84.61 मिलेगी। अब अगर मेरे पास ये फोर्स की वैल्यू है तो अभी भी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि अगर इतना फोर्स एक्ट करेगा तो मैं ये डोर ओपन कर पाऊंगा या नहीं। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए अब मुझे ये जानना जरूरी है कि अगर ये डोर इन दो हिंज पॉइंट्स के अबाउट रोटेट होगी तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो सकता है। मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मोमेंट जनरेटेड बाय वाटर अबाउट हिंज पॉइंट इज हाउ मच, कि इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की वजह से कितना मोमेंट इन हिंज पॉइंट्स पे एक्ट कर रहा है। अगर आप देखें कि सेंट्रॉइड से लीवा आर्म जो अवेलेबल है वाटर के लिए वो 1 मीटर का हाफ होगा, दैट इज 0.5 मीटर। अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये 84.61 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 42.3 किलो न्यूटन मीटर। अब अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मोमेंट के अगेंस्ट ए हेल्दी पर्सन जो इस कार में बैठा हो वो कितना मोमेंट जनरेट कर सकता, उसे देखने के लिए जस्ट आप एक एग्जाम्पल देखिए कि एक हेल्दी पर्सन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो 100 kg के वेट को या मास को वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दे सकता है। तो इस थ्रस्ट से वो कितना मूवमेंट जनरेट कर पाएगा उसे डिनोट हम करेंगे कि मूवमेंट जनरेटेड बाय ए हेल्दी पर्सन अबाउट हिंज इज 1000 kg। अगर आप न्यूटन में लिखें तो इट इज 1000 न्यूटन।
1 kg 10 newton एंड मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म। आप देखो कि कार का हैंडल एक्सट्रीम कॉर्नर पे अवेलेबल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लीवर आर्म अवेलेबल हो। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें ये वैल्यू आएगी 1 kN/m। अब इन दो वैल्यूज को कंपेयर आप कर सकते हैं कि मूवमेंट जनरेटेड बाई ए हेल्दी पर्सन अबाउट हिंज इज 42.3 टाइम्स लेसर देन द मूवमेंट जनरेटेड बाई वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉसिबल टास्क होगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आपकी कार 5 मीटर तक डीप सिंक कर चुकी हो तो आप ये डोर ओपन कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हाइड्रोस्टैटिक के न्यू सेक्शन में हम चलते हैं। स्क्रीन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सी पिक्चर है जिसमें एक पर्सन स्ट्रॉ की हेल्प से पानी पी रहा है। दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये पर्सन चाहे तो कितनी लंबी स्ट्रॉ से ये पानी पी सकता है, या फिर मैं पूछूं कि पानी किस हाइट तक जा सकता है। जो वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं वो है एच मैक्स। मुझे ये जानना है कि सक्शन की वजह से एच मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक लॉ से कहीं भी कोई ताल्लुक रखता है या नहीं। इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। इस कहानी से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो खुद भी इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कहानी है इटली के एक ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की। जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं ये क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड है, और आपको आश्चर्य होगा कि इन सवालों का जवाब उन्होंने भी सही तरीके से नहीं दिया कि क्यों पानी एक लिमिटेड हाइट से ऊपर नहीं जा सकता। इसे हम एक एग्जांपल से जोड़कर देख सकते हैं जो कि एक वेल की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं एक वेल जिसमें वाटर लेवल ग्राउंड सरफेस से इतने नीचे है कि इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब मुझे जानना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। गैलीलियो ने यह प्रॉब्लम पास कर दी थी उनके एक और फेमस स्टूडेंट जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए टॉल्सली को। टॉल्सली ने काफी रिसर्च के बाद एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि वाटर लिफ्ट करने की जो लिमिट है वो 10.4 मीटर होती है। इसे समझाने के लिए मैं आपको स्कूल की फिजिक्स में पढ़ाए गए एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट याद होगा कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब को वैक्यूम क्रिएट करके उल्टा मर्क्यूरी से भरे बीकर में डाल दिया जाए तो बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी की जो हाइट उस टेस्ट ट्यूब में जाएगी वो होगी 760 mm। जैसा कि हमें पता है मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। इट मींस अगर मर्क्यूरी को 760 mm तक लिफ्ट किया जा सकता है तो वाटर जो कि मर्क्यूरी से 13.6 टाइम्स लाइटर है उसे 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 760 mm तक लिफ्ट किया जा सकता है। और अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखें तो ये वैल्यू होगी 10.4 मीटर ऑफ वाटर। टॉसली ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ से प्रेशर फंक्शन होता है एच का, जिसे हम लिख सकते हैं रो टाइम्स एच। अगर मैं रो वाटर की वैल्यू 1 g/cm³ रखूं और एच की वैल्यू 10.4 मीटर या से इन सेंटीमीटर इट इज 1040 cm, देन जो वैल्यू मुझे प्रेशर की मिलेगी वो होगी 1.04 kg/cm². मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 atmospheric प्रेशर की वैल्यू होती है 1 kg/cm². इससे ये प्रूफ होता है कि अगर वाटर में 1 kg/cm² का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा हो और हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें तो वाटर की जो हाइट रेज होगी वो 10.4 मीटर होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 1 kg/cm² एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट हो और इस टेस्ट ट्यूब में हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें, मर्क्यूरी 760 mm तक राइज करेगा तो वाटर की राइज करने की लिमिट होगी 10.4 मीटर। अब मैं इन वैल्यूज को एक साथ लिखूंगा कि 1 atmospheric प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 kg/cm² इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 10.4 मीटर ऑफ वाटर। इस लॉ का एप्लीकेशन हम यूज करेंगे हमारे टर्बो मशीन सेक्शन में, जहां पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसी पंप के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं पुनः अपने शुरुआती क्वेश्चंस को दोहराना चाहूंगा कि अगर ये पर्सन इस स्ट्रॉ से इस वाटर को सक करे
तो एच की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? ये वैल्यू होगी 10.4 मीटर ऑफ वाटर। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये क्वेश्चन हमारे हाइड्रोस्टैटिक लॉ से रिलेवेंट है। यस, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर लिया है। आने वाले वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि सबमर्जेंस ऑफ टाइटैनिक में बायोंसी का क्या कोरिलेशन है, और अगर हमें पता है कि एयर भी एक फ्लूड है और हर ह्यूमन बीइंग फ्लूड में सबमर्ज्ड है, तो हमारा एक्चुअल वेट क्या होगा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि रेकॉन सिविल एकेडमी की वीडियो सीरीज जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।